पठान मूवी को लेकर ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। कुछ इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इस मूवी को बायकॉट कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है जो फुल ऑन आई सपोर्ट पठान। कुछ लोगों ने अपनी टीम बना रखी है जो बहिष्कार कर रहे हैं, फ्लॉप हुई पठान ऐसे हैशटैग चला रहे हैं। क्या पठान मूवी जब रिलीज होने वाली थी, इसने एक दिन पहले KGF 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे प्री बुकिंग टिकट के अंदर, और इसने एक दिन के अंदर कमाई के मामले में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 57 करोड़ रुपये की इसने कमाई कर ली है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो 102 करोड़ रुपए की इसने कमाई कर ली, जो सारे रिकॉर्ड्स ये मूवी तोड़ती है। खैर मूवी की अगर बात करें इसकी कहानी की, तो देखो ये जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो कहीं ना कहीं मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यार इस तरीके की कहानी इसमें हमें देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ इस मूवी के अंदर। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग आपको दे देता हूँ, थोड़े बहुत क्या, इसमें ज़्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पर ये वीडियो देखना। तो इसमें कहानी जो हमें देखने को मिलने वाली है, एक रो का एक पुराना एजेंट होता है जिसका नाम होता है जिम। जिम को रो ने धोखा दे दिया है ऐसा हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। उसको किडनैप कर लिया जाता है, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है, और नेगोशिएट करने से रो मना कर देता है टेररिस्ट से। और इसके में क्या होता है कि जिम की वाइफ है जो मारी जाती है। अब इसको बदला लेने के लिए जिम के अंदर इतना गुस्सा आता है, वो भारत से ही नफरत करने लग जाता है और वो भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जिम को प्ले किया गया है जॉन इब्राहिम के द्वारा, और जिम को रोकने के लिए एक दूसरा रो का एजेंट आता है जिसका नाम होता है पठान, जिसको प्ले किया ऑब्वियसली शाहरुख खान ने। अब बॉलीवुड की जैसे हमेशा से आदत रही है कि भाई भारत की जो आर्मी है वो बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है, वो लोगों को बोलने तक नहीं देती है, उनके ऊपर वो गोलियां चला देती है एक तरीके से। फिर वहां पर रो को जैसे दिखाना कि रो जो है अपने एजेंट्स को कुछ मानता ही नहीं है, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी फैमिली को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो यहां पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को दिखाना। साथ ही साथ चलो मान लिया भाई साहब रो ने अपने एजेंट को छोड़ दिया और उसको गुस्सा आया, उसने देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो इन्होंने हद कर दी वो ये, पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रमोट करता है, जिसकी धरती पर आतंकवाद पनपता है, ISI आतंकवादियों को ट्रेनिंग तक देती है, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, पाकिस्तान खुद ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें कोई देश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इतने बुरे हालात तो उस देश के हैं। वो देश अमन चाहता है, वो शांति चाहता है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हुआ हमें दिखाया जाता है। ISI का एक जो एजेंट है इसमें देखने को मिलता है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब ये हजम होने वाली बात नहीं है। मत सच में आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर देखें तो मानिए कि भी एक रो का एजेंट, रो ने जिसको ट्रेनिंग दी भारत में, मतलब जिसको परमवीर चक्र, शायद कोई परमवीर चक्र मिलता है या अशोक चक्र मिलता है मुझे याद नहीं है, उसको अशोक चक्र मिला हुआ है, उसको रिस्पेक्ट दी गई भारत के द्वारा, वो एक आतंकवादी बन गया है भारत के लिए, क्या काफ़ी सारे देशों के लिए वो एक खतरा बन गया है, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रमोट करने वाला उसकी एक एजेंसी रो ISI वो आ रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब ये हजम नहीं हुआ। सच में कहूँ यार इतना घटिया कैसे लिख सकते हो यार तुम। ठीक है तुमने रो के एजेंट को दिखाना था भाई ये इसके साथ ऐसा हुआ, इसने बदला लेने के लिए काम करना शुरू कर दिया, मान लिया, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश कुछ तो सोच समझ के कर लो ना यार। क्या न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, वहाँ के बारे में कुछ जानते नहीं हो, हिस्ट्री नहीं जानते हो क्या, मतलब बॉलीवुड वाले क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रेम करा रहे हैं? अरे पहले समझो इस चीज़ को, ISI क्या करती है, किस तरीके से वो ट्रीट करती है भारतीयों को, और एक पाकिस्तान जैसा देश वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, एक धर्म के आधार पर बना हुआ देश है वो, जहाँ पर दूसरे धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को सही ढंग से अपने धर्म को मानने से मना कर दिया जाता है, और उस देश को ऐसे दिखाना कि देखो यार पाकिस्तान तो कितना अच्छा है, ISI कितनी अच्छी है, वो शांति के लिए लड़ रहे हैं, वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी को मरने नहीं देना चाहते, ये हजम नहीं हुई यार सच में, इतना घटिया मुझे कॉन्सेप्ट लगा। फिर इसके बाद जो मूवी में ऑब्वियसली स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जिस तरीके की इसमें फाइटिंग सीक्वेंसेस आते हैं वो आप देखेंगे ना कहीं तो ऐसे फाइटिंग सीक्वेंसेस है जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, और कहीं कहीं लगता है कि यार ये तो ठीक ठाक है, और
पूरी मूवी में जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, आपको देखने को मिलेगा कि यार हाँ वाकई में मूवी में इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी के अंदर कनेक्ट फील हम नहीं कर पाते। एक तो यार एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इसमें जिस तरीके से एक रो को नेगेटिव शेड में दिखाना, ISI को एक तरीके से ऐसे दिखाना कि देखो यार ये जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बेचारे हैं, ये कभी भी आतंकवाद को फैलाते नहीं हैं। इसके अलावा मूवी में जो डायलॉग हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, कुछ एक डायलॉग पे तो मतलब वो काफ़ी बढ़िया थे, मैं बताना नहीं चाहता, कहीं कहूँगी यार आपने तो सारी ही मूवी को बता दिया, यहाँ पर हर चीज़ ही आपने बता दी, तो इतना ज़्यादा स्पॉइलर मैं नहीं देना चाहता। हाँ, दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से दिखाया गया है, फैशन के नाम पर या सेक्सी बनाने के नाम पर जिस तरीके के कपड़े पहनाए गए हैं, वो यार कहीं से भी नहीं लगता कि यार वो बहुत ज़्यादा सेक्सी या फिर इतनी ज़्यादा फैशनेबल वहाँ लग रही, वो बेहुदापन लग रहा था। मूवी के जो सॉन्ग हैं, जैसे आपने सुना ही होगा वो बेशरम रंग करके या मैं पठान ऐसे कुछ करके, वो मुझे इतने खास नहीं लगे। VFX की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जगह बहुत बढ़िया VFX है और कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा चीप है। एक स्टार्टिंग में ही आता है वो दुबई के अंदर हेलीकॉप्टर वाला सीन होता है जिसमें जॉन इब्राहिम हेलीकॉप्टर से एक रस्सी आती है उसको पकड़ के मतलब उड़ जाता है, जिसमें देखते हुए मिलता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मुझे चीप लगते हैं। मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी बहुत अच्छा है, सलमान खान का एक कैमियो, देखो आप कहोगे कि आपने सलमान खान के बारे में बता दिया, अरे भाई साहब मूवी देखने जाने से पहले ही ट्विटर के ऊपर इसकी छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट की जा चुकी थी जहां पर सलमान खान की एंट्री दिखाई जा रही थी, तो ये ऑब्वियसली पता चल गया था कि भैया सलमान खान होने वाले हैं इस मूवी में। हाँ, थोड़े सा टाइम उनको दिया गया है, भाई उनके आने वाले टाइम में शायद एक मूवी आ रही है, वहाँ पर भी पठान का कुछ रोल हो सकता है, शायद इसलिए वहाँ पर वो आए हैं, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब कुछ लोग इस मूवी को लेकर लॉजिक की बात कर रहे हैं, मतलब यार देखो मूवी है जहाँ पर आप लॉजिक को साइड में हटाइए, एंटरटेनमेंट लेने जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट पे ही फोकस करो ना, आप एंटरटेनमेंट में अगर लॉजिक घुसाएंगे तो आपको वो एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलने वाला है। अगर इस लॉजिक के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो भैया आयरन मैन का सूट ही देख लो, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इसके अंदर आयरन मैन फिट जो टोनी स्टार्क वो फिट कैसे होता है, मतलब उठता बैठता कैसे, अंदर क्या लगा, क्या उसको चुभता नहीं है, अगर उसमें लॉजिक निकालने हटा ना तो भाई साहब वो उस मूवी का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इस लॉजिक को थोड़ा साइड में हटाओ, मतलब बाहर वाले कर रहे हैं तो वो लॉजिक है हमें सही लगता है, अपने ही देश वाले कर ले तो वहां पर हम लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखो। ओवरऑल अगर मूवी की अगर बात करें तो देखो यार मूवी की स्टोरी में मुझे इतना कुछ खास दम नहीं लगा, और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट रो को लेकर दिखाया गया, ISI को लेकर दिखाया गया, वो मुझे पसंद नहीं आया। सेक्शन सीक्वेंसेस कुछ कुछ अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और इसके अलावा डायलॉग अच्छे हैं और मेहनत की गई है, लोकेशन बढ़िया है, VFX कहीं कहीं चीप से आपको लगते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूँगा 5.5/10। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आपके सामने है, आप खुद विचार करिए आपको जाना है नहीं जाना है, सपोर्ट करना है बायकॉट करना है, वो आपकी अपनी इच्छा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।